अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मैं लेके आई हूँ स्पेशल शिरखुरमा, जो अलग ट्रिक से बनेगा, बिना मावे के बनेगा और बहुत ही खाने में टेस्टी होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसकी रेसिपी, आपको क्या क्या चाहिए। आप इसको मिस मत कीजिएगा, आगे स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी पूरी रेसिपी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आपने आगे स्किप किया तो रेसिपी पूरी समझ में नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फिर हम शिरखुरमा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 4 लीटर मिल्क लिया है जिसे मैं बॉईल कर रही हूँ। ये मिल्क में मैंने खजूर है जो मैंने रात भर दूध में भिगोए हुए थे, और इसे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये काजू जो मैंने पहले से ही भिगा कर रखे हुए थे मिल्क में रात भर, 50 ग्राम काजू है एंड 50 ग्राम खजूर है, सूखी खजूर। ओके, अभी मैंने इसे पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा मिल्क डालकर। अब इसमें मैं इलायची डाल दूंगी और इसका भी पेस्ट बना दूंगी। ये अच्छे से एक पेस्ट बन चुका है, इसे साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पे कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने घी डाला है, 2 बड़े चम्मच घी लिया है मैंने, घर का बना हुआ देसी घी है ये। और यहाँ पे मैंने लिया है चारोली का बादाम पिस्ता, जिसे मैंने रात भर भिगो के गर्म पानी में उसका छिलटा निकाल कर इसे बारीक से काट लिया है। देखिए इस तरह से काटा है। सब कुछ मैंने 50-50 ग्राम लिया है, चारोली पिस्ता एंड बादाम, ठीक है। और इसे फिर ड्राई कर दिया, सुखा दिया है। अभी इसे हमें घी में भूनना है अच्छी तरह से। अभी ये जो है भूनना इस तरह से इसको कि मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जिसे क्रिस्पी होना चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं करना है इसे, बस थोड़ा सा कलर आएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगा अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूलेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा मिल्क है, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके शक्कर डालूँगी। मैंने 200 ग्राम शक्कर लिया है इसमें, आपको जितना मीठा चाहिए आप ले सकते हो 4 लीटर दूध में। और ये खजूर है, इसमें थोड़ा पक जाएगा दूध में। मैंने खजूर इसलिए अखा अखा डाला है, अगर मैं इसके पीसेस कर देती तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, मतलब पिचपिचा जैसा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे अखा डाला है। अखा भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये हमारा हो चुका है मावा, देखिए मुझे 10 मिनट लगे। ये नारियल है, सूखा नारियल, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। ये अभी लास्ट में हम डालेंगे, और ये खसखस है 1 बड़ा चम्मच है, और ये लास्ट में डालेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अभी इसे भी थोड़ा सी भून लेते हैं 1 मिनट। मुझे 6 से 7 मिनट लगा है ये भूनने के लिए मीडियम फ्लेम पे। देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अभी हमने थोड़ी थोड़ी करके शक्कर ऐड करनी है, एक साथ अगर हमने ऐड कर दिया तो दूध फट भी सकता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे मावा नहीं लिया है शिरखुरमा बनाने, अगर मैं मावा लूँगी तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा मेरा शिरखुरमा। तो मैंने जो दूध भी लिया है वो गाढ़ा है, उसमें मैंने पानी नहीं, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो जो काजू का हमने जो पेस्ट बनाया है ना, उसी से ये हमारा शिरखुरमा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये शाही शिरखुरमा है, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सेवई का मैंने लिया है 1/2 पैकेट, भुनी हुई सेवई होती है, इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसे थोड़ा सी इसमें भून लेते हैं। देखिए ये जो मसाला है, आप इसमें से रख भी सकते हो अगर ज़्यादा होगा तो आपको, तो ये ख़राब नहीं होता है गाइस, ये नेक्स्ट टाइम आपको बनाने के लिए काम भी आएगा। अब इसमें मैं केसर ले रही हूँ, जो इसका कलर थोड़ा सी चेंज हो जाएगा, वाइट है ना, तो केसर की इसमें एक जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी आती है शिरखुरमे में। तो दूध भी जो है वो मैंने गाढ़ा लिया, उसमें पानी नहीं मिला, उसको ज़्यादा पकाना ना पड़े। अगर आप पानी वाला दूध लोगे पतला तो आपको बहुत पकाना पड़ेगा। अभी ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करूँगी, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है मसाला तो आप स्टोर कर सकते हो अलग से, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। अभी जो मैंने काजू का पेस्ट बनाया है ना गाइस, वो लास्ट में एंड में हमें ऐड करना है इसमें, क्यों अब ये दूध पक गया है ऑलरेडी। तो मैंने जो गरम करके इसको रखा हुआ था मिल्क को, और उसके बाद में मैंने इसमें और इसको पका कर थोड़ा फिर इसमें सब कुछ ऐड किया है। तो दूध, मतलब मैं ये बोल रही थी कि दूध अगर आप पतला ले लोगे तो फिर वो शिरखुरमा अच्छा नहीं बनेगा, टेस्टी नहीं बनेगा। तो दूध में पानी नहीं मिलाना है, मेरा दूध थोड़ा अच्छा वाला लेना है, तो ये लास्ट में इसलिए मिला रही हूँ, ये नीचे लग जाता है फ्रेंड्स, मतलब नीचे चिपक जाता है। तो इसे कंटिन्यूसली डालकर हिलाते रहना है जब तक कि दूध पके नहीं अच्छी तरह से। देखिए आप काजू अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपका मिल्क है,
मैंने यहाँ 50 ग्राम काजू लिया है क्योंकि मेरा मिल्क जो है वो ऑलरेडी बहुत गाढ़ा है, और खजूर सेवई भी हमारी ये पक चुकी है अच्छे से, तो अब हम इसमें ये काजू का पेस्ट और इलायची का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, जो काजू पीसते हैं ना उसमें हमें मिल्क ऐड करना है। देखिए ये बन चुका है, बहुत ही टेस्टी है गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब, और मुझे कमेंट्स कर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये शुरकुमा। आप लोग कभी भी इसे बनाकर खाइए, एनी टाइम। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।